नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में पार्टनरशिप विद द अनअकैडमी। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं अनअकैडमी को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हां दोस्तों, यहां पे अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए डेली लाइव क्लासेस विद द प्रैक्टिस सेट रिविजन क्लासेस। जी हां दोस्तों, और कुछ प्लान जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहां पे मिल सकेगा। फ्री प्लान के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा इस प्लान को, तो क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वीकली 300 से भी ज्यादा फ्री मॉक टेस्ट, जी हाँ 20,000 का क्वेश्चन सिनारियो लाइव क्यूज के साथ फ्री मॉक टेस्ट वीकली। वीकली मॉक टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ एवरी सैटरडे संडे जुड़ सकते हैं वीकेंड पे अनअकैडमी के साथ, जहां पे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी कराए जाएंगे, तो उसके साथ साथ आपका स्कोर भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। उसके अलावा बिहार एसआई और बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर क्लास भी दिया जा रहा है, जो कि शाम को 7 बजे से आपको विद द एग्जिस्टिंग प्राइजेस के साथ ये एवरीडे दिया जा रहा है दोस्तों। तो शाम को जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें अनअकैडमी पर। फर्स्ट प्राइज आपका मिल सकता है सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है इस प्राइज को अगर आप जीतते हैं तो। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद एक रेफरल कोड मैं दे रहा हूँ आपको JEET100, इसका उपयोग करें ताकि फ्री क्लासेस आपको अनलॉक करके दी जा सके। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड क्लासेस करने का एक मौका मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ और डाउनलोड वीडियो करने का एक सुनहरा अवसर। जी हाँ, कभी भी आप ऑफलाइन होकर भी पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। 30,000 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा दोस्तों, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स लेते हैं तो। तो दोस्तों देर किस बात की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी आपको कराई जा रही है, जो कि फाउंडेशन बैच इसका शुरू किया जा चुका है 16 फरवरी यानी कि आज से। तो जल्दी करें, आज ही ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट बैच आपका एसआई का भी बनाया जा चुका है दोस्तों, 15 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, 1 जून 2021 तक आपके ये सारे क्लासेस खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, जिसकी तैयारी में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करके देगा अनअकैडमी। इसके साथ साथ बीपीएससी का जब गोल सिलेक्ट करेंगे आप यहां पे, तो आपको सब्सक्रिप्शन का एक लिंक मिलेगा, तो आपको देर नहीं करनी है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद ये 10% का डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा, उसके बाद 5% का डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। इसलिए JEET100 एक रेफरल कोड दे रहा हूं आपको, जिससे इसका फायदा आपको मिल सके दोस्तों। तो देरी नहीं करें, चलिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी की एप्लीकेशन को और क्रैक कीजिए बीपीएससी और बिहार एसआई जैसे परीक्षाओं को हमारे साथ जोड़कर। दोस्तों हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से वाईटी एजुकेशन पे भी करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़िए। इन सभी टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां भी आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल देर नहीं करना है, आप हमारे साथ जुड़िए इस टेस्ट में। दोस्तों आज का पहला सवाल आ चुका है आपके सामने, और जितने भी लोगों तक नोटिफिकेशन गया है, तो आशा करते हैं कि मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं यहाँ पे, वो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन हो चुका है, तो मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन है। क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी नहीं हो रही है, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आंसर करेंगे मनुष्य और वनस्पति जगत और प्राणी के जगत जो है वो जैव संसाधन के तहत आते हैं। बिल्कुल उत्तर अगर डी कर रहे हैं तो आप उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही कर रहे हैं दोस्तों। जैव संसाधन होता क्या है, तो देखिए जैव संसाधन के बारे में आज आपको बता रहा हूँ, ये बार बार आपसे सवाल जरूर पूछूंगा मैं, क्योंकि वे संसाधन होते हैं ये जिनमें कि जीव या फिर जीव के अंश मिलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अच्छा, फसलें, पशु, वन, मत्स्य और जो समुद्री जीव होते हैं वो इसके उदाहरण है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नीचे दिए गए विवरण का मृदा से संबंधित है, अच्छा देखिए मिट्टी से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जी इस प्रकार की मृदाएं जो मृदाएं हैं यानी कि मिट्टियां हैं, ये दक्कन पठार यानी कि बेसॉल्ट के क्षेत्र से पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, तो ये दोस्तों लावाजनक सैलों से बनती हैं, कौन सी मिट्टी है वो। बिल्कुल उत्तर अगर बी कर रहे हैं वो काली मिट्टी है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों, आपको यहाँ पे आंसर बी करना होगा, इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी जो होता है दोस्तों कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो जी हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, कपास की मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, तो कपास के लिए ये काली मिट्टी, सॉरी, ठीक है आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बीज बचाओ आंदोलन, ये बीज नहीं है, बीज है ना, तो ये किससे संबंधित राज्य है, मतलब इससे संबंधित राज्य कौन सा है,
तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है, बिल्कुल उत्तर सी कर रहे हैं आप लोग, तो उत्तर सही है आपका। और आपको बता दें कि बीज बचाओ आंदोलन के परंपरागत अनाजों और उनके बीजों का संरक्षित करने का एक अभियान जो कि उत्तराखंड की तरफ से ये किया गया दोस्तों, चिपको आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, क्या चिपको आंदोलन याद है आपको? जी हाँ, कब किया गया था इसका शुभारंभ? तो 1990 में किया गया था चिपको आंदोलन, जिसमें कि विजय जड़धारी ये जुड़े हुए थे इस अभियान से, और गांधीवादी कार्यकर्ताओं द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 1990 में। ओके, तो उत्तराखंड के यहाँ पे सीएम कौन है जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों से ये सवाल है। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो ये है दोस्तों बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ये आपको याद रखना पड़ेगा जो स्टैटिक पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ की उत्तराखंड की कैपिटल सिटी देहरादून होती है, और एक होती है दोस्तों रायसेन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं चार पे, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध अगर आप यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं सी चिनाब नदी से है, तो उत्तर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, इस जो परियोजना है एक तरह का, ठीक है, सलाल प्रोजेक्ट जो परियोजना है, इसकी परिकल्पना कब की गई थी? तो 1990 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण कब किया गया? तो 1970 में किया गया। जी हाँ, 1950 साल के बाद इसका क्या किया गया, सलाल प्रोजेक्ट का ये परियोजना बना, देखिए इसकी योजना बनी, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 1970 में, ठीक है। अच्छा, चिनाब नदी का दूसरा नाम कोई बता देगा क्या? याद रखिएगा, चंद्रभागा। जी हाँ, इसको हम लोग गंगा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, एक गंगा का पर्यायवाची नाम है ये, ठीक है, चंद्रभागा। सवाल नंबर पांच, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, आंसर यहाँ पे करना है, कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य है भाई? चलिए, तो दोनों ही कथन सत्य है, आंसर सी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चावल की कृषि की उच्च तापमान जो है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, अधिक से अधिक, सॉरी माफ कीजिएगा, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर की अधिक वर्षा यहाँ पे आवश्यकता होती है। चावल कैसा एक फसल है? बिल्कुल खरीफ फसल होता है ये, ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी पार्ट में दे रहा हूँ आपको जीके का, ये जीके जीएस का जो पार्ट है ये आप डेली अटेंड करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के साथ सारी चीजें बता रहा हूँ, और मैं आपको बार बार कहूंगा हर वीडियो में, एक मोटिवेशन के तौर पे ही इसको लीजिएगा आप लोग, कि प्रीलिम्स की तैयारी करने से आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं अपने ही वीडियो में ये आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे कोई फायदा नहीं है, सीधे मेंस पे जंप कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स मैं आपको निकलवा सकता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं अगर आपके एग्जाम तक करवाऊंगा उतने क्वेश्चन आप लोग डेली पढ़ते हैं, तो ये प्रॉमिस है हमारा। मेंस पे आप लोग फोकस कीजिए, किस सब्जेक्ट को लेकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, उसके अगर नोट्स मिलते हैं कहीं से तो उसके नोट्स जुगाड़िए, यहाँ पे पढ़िए, रोज अपना एक खुद का नोट्स बनाइए किस तरीके से पढ़ना है, तब जाके आपका मेंस निकलेगा। अन्यथा प्रीलिम्स देते रहिए साल दर साल, हर साल वैकेंसी आती है, 700 का फॉर्म लग जाता है आपका, कोई फायदा नहीं होगा, पैसे ही जाएंगे सिर्फ, बर्बाद होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी बातों का थोड़ा सा अगर कड़वा लगे तो माफ करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। मेंस के ऊपर फोकस कीजिए। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 6 का आंसर कर लीजिएगा, अमरकंटक पठार के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं दोस्तों, इज द राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, बॉक्साइट के जो निक्षेप हैं वो अमरकंटक के पठार में तो पाए जाते हैं, लेकिन ओडिशा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो ये भी ध्यान लीजिएगा, है ना, सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ होता है? तो ओडिशा में। ओके, ओडिशा का जो कैपिटल सिटी है वो भुवनेश्वर है। अच्छा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है। द हु इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए नहीं बोल दिया गया है, तो आंसर कीजिए जल्दी से। एग्जैक्टली, अगर आप उत्तर कर रहे हैं डी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी जुड़ी हुई है, जो कि कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है इसका जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, दिल्ली से नहीं, कहाँ से है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, याद रहेगा ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, निम्न में से कौन सा एक गर्म जल धारा नहीं है? फिर से क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और जहां भी नहीं देखे थोड़ा सा आंसर करते समय अपने आप को रोकिएगा, थामिएगा, तब आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए दोस्तों, जी हाँ, नहीं बोला गया, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लेब्राडोर गर्म जलधारा नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये तो यहाँ भी दिया हुआ है और एक यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये दो हो गया, तो एक से ज्यादा उत्तर हो गया, तो हमारा उत्तर तो ई हो जाएगा, जो कि नहीं है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे।
सवाल नंबर चलते हैं 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से नहीं है, चलिए जी हाँ, तो कैंटरबरी घास का मैदान जो कि यूरोप को सुमेलित किया गया है, तो ये उत्तर तो गलत है जो कि नहीं है, तो आंसर तो हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। ओके तो ये कैंटरबरी जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखिएगा ये न्यूजीलैंड में, कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है दोस्तों, लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये बता दे रहा हूं आपको। स्टेपी घास का मैदान यूरोप के महाद्वीप में यूक्रेन से लाकर एशियाई रूस और शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में फैलाया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर की ओर नहीं छूती है, तो फिर से नहीं छूती है बोला गया है, यहाँ पर नहीं बोल दिया गया है, तो आंसर कीजिएगा उत्तरी सूडान को नहीं छूती है, ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भूमध्य सागर की सीमा जो है ना वो लाल सागर से लगती है, ये ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर की जो रेखा है ये लाल सागर से लगती है, आंसर यहाँ पे हम जी हाँ ए करेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 11, भारत में किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकत्रित इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है, एग्जैक्टली अगर आप उत्तर यहाँ पे कर रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है यहाँ पे, आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड स्टील हब का माध्यम से इस पूर्वी भारत के विकास के लिए इसको लाया गया, यहाँ पूर्वोदय इसका नाम दिया गया, ठीक है इसको लिख लीजिएगा पूर्वोदय, ठीक है ये पूर्वोदय जैसा है इसका नाम दिया गया दोस्तों, ठीक है ये आपको याद रखना होगा। इस मिशन के तहत जो है सरकार का उद्देश्य क्या था, बिल्कुल ये भी पूछेगा एग्जाम में, तो लॉजिस्टिक और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना, यही इस सरकार का मिशन था दोस्तों, जो कि पूर्वी भारत के सामाजिक आर्थिक और परिदृश्य को बदलना इसका लक्ष्य भी बताया जाता है। मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी, याद रखेंगे दोस्तों ममता बनर्जी। ओके यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, ये भी आप ध्यान रखेंगे जगदीप धनखड़, ये यहाँ के क्या है तो गवर्नर है, कैपिटल सिटी कोलकाता होती है याद रखिएगा। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई है, जल्दी से आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, जी हाँ दोस्तों आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई है, एग्जैक्टली आंसर करेंगे बी 21 जनवरी 2024 को, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। सवाल नंबर 13, किसान निम्न में किन उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, तो इनमें से लाइसेंस जो है यहाँ पे उपरोक्त में से अगर देखें तो एक से अधिक उद्योगों में स्थापित करना जरूरी है, यह जैसे कि नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत औद्योगिक नीति को बहुत ही ज्यादा उदार बनाया गया, तो ये देखिए औद्योगिक नीति शराब के लिए भी लाइसेंस है, खतरनाक रसायन बनाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे जल के लिए भी अब लाइसेंस का जरूरी हो गया है, तो ये ध्यान रखिएगा एक से ज्यादा उत्तर है तो ई उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, देखिए क्वेश्चन स्टैटिक जीके का भी लेकर आए हैं हम लोग इसमें, तो ध्यान रखेंगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, भले ही क्वेश्चन कम है लेकिन डेली दिया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जी हाँ सीढ़ी चढ़ते रहिए, प्रीलिम्स बिल्कुल निकलेगा, आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, 12 जुलाई 1982, जी हाँ डी इज द करेक्ट आंसर। इसका कार्य क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसका कार्य है ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना और ग्रामीण क्षेत्रों को खुशहाल बनाना। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 15 पे, साख नियंत्रण के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, परिणामात्मक उपकरण जो है वो कौन सा है, 15 का उत्तर करेंगे दोस्तों, बैंक दर है बिल्कुल, और वैधानिक तरल अनुपात है, और आपका रेपो रेट है, तो ये तीनों है, एक दो और तीन तीनों है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ए कर लीजिएगा दोस्तों। ओके ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आरबीआई से सवाल जुड़ा है यहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई होता है, ये लिख लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन फंस जाए, और इसके गवर्नर अभी तत्काल कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ओके सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड जो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, इसके कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन है, तो यहाँ पे 16 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों जल्दी से, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनियमय बोर्ड जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, ठीक है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में तो हुई है, इसका जो मुख्य कार्य है 1992 में वैधानिक मान्यता देना, सेबी का अध्यक्ष अजय त्यागी बने थे उस समय। अच्छा सेबी जो है वो शेयर बाजार की सर्वोच्च संस्था भी है, तो ये इनमें से उत्तर जो है एक से ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं आपको,
है, और यहाँ पे आंसर हम ई कर लेंगे दोस्तों, ई इज द राइट आंसर। शेयर बाजार में भी है, शेयर बाजार की मान्यता प्रदान ना करने, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रतिभूति निवेशकों के हितों में रक्षा बढ़ाना और निवेशकों के विकास को बढ़ावा देना, एक दो तीन ये यहाँ पे है जो सही है, तो ई उत्तर कर लीजिएगा। किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि कौन सी मुद्रा स्फीति हो सकती है, किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि कौन सी मुद्रा स्फीति हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगा, तो मांग जनित और मुद्रा स्फीति ये बढ़ सकती है, तो बी उत्तर कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 18, बजट के कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, बजट के कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, तो तीन प्रकार के ये आंकड़े होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पिछले वित्त वर्ष में अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष में संशोधित आंकड़े, और तीसरा अगले वित्त वर्ष का प्रस्तावित अनुमान। तो ये तीन प्रकार के आंकड़े देते हैं बजट में, तो बी उत्तर हो जाएगा हमारा। इस बेरोजगारी में श्रमिक बाहर से तो कम पर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती है, इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं। बिल्कुल, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ये तो आपको पता है, और इसको इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। डी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए सवाल नंबर 20 पे चलते हैं। स्वदेश दर्शन योजना निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं था, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य उपरोक्त में से किसमें नहीं था, तो इसमें से देखिए एक से अधिक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। जैसे उत्तर पूर्वी भारत में परिपथ का चलना, स्वराज योजना जो स्वदेश योजना है उसके अंतर्गत 13 थीम युक्त परिपथ की पहचान करना, प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास के लिए स्थानों का पहचान करना जिनके नाम अमृतसर, अजमेर, द्वारका, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी और अमरावती जैसे शहर हैं, केदारनाथ भी है। चलिए तो यहाँ पे आंसर हम ई कर लेंगे। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। भारत प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। भारत सरकार ने 1973 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया था, और आपको बता दें किस प्रदेश में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। यह आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, और भारत में कुल अगर देखें तो 50 ऐसे संरक्षित उद्यान हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात और रखिएगा, यहाँ पे जो क्षेत्र शामिल है जिसको हम लोग तराई आर्क लैंडस्केप कहते हैं, TAL है ना, TAL, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1992 में एलिफेंट प्रारंभ किया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और करतीने घाट, ये सब कुछ इसके तहत यहाँ जारी किया गया। खैर यहाँ पे तो आंसर आप डी कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर सही है। सवाल नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, बिल्कुल उत्तर कीजिएगा इंग्लैंड। जी हाँ, इंग्लैंड के क्यू में स्थित है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति की उद्यान है, ये बोटेनिकल है, बोटेनिकल गार्डन है ये, याद रखेंगे दोस्तों, आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। इंग्लैंड के इस बोटेनिकल गार्डन का स्थापना कब किया गया, 1759 में किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में, तो ये ध्यान रखेंगे, बीपीएससी के सारे एक्सपेक्टेड जीके, एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट जीएस जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सतत विकास, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से, जी हाँ दोस्तों, विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, 23rd का आंसर कर लेंगे दोस्तों, इट्स अ डी, जल विद्युत ऊर्जा, इट्स अ डी, जल विद्युत ऊर्जा इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक, क्या, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण, जो कि श्रेणी में आता है दोस्तों, आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे, इज द राइट आंसर दोस्तों। जैव जो है यानी जीव जो है वो निम्न तरह के प्रदूषक को, मुख्यतः मानव जनित जो होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के तहत ही क्षति उसको होती है, जो कि पर्यावरण में इसको प्रवेश भी करने की अनुमति नहीं होती है, तो ध्यान रखेंगे। भारत में अगर हम बात कर ले दोस्तों दामोदर नदी की, तो जैविक मरुस्थल इसको कहा जाता है, कारण है उसका जीव प्रदूषित बहुत होता है ये। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सा एक मुख्य प्रदूषक गैस है, वाहनों से, देखिए गाड़ियों से जो निकलने वाला जो एक मुख्य प्रदूषक गैस है उसको कहते हैं मोनोऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, याद रखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, कैसा होता है, तो रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है, इसलिए आपको दिखाई भी नहीं देता है कि जब आप प्रदूषित होते रहते हैं तो। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का कार्य करता है, तो ये आंसर सी कर लेंगे दोस्तों, लाइकेन,
इज द राइट आंसर। दोस्तों लाइकेन जो होता है ना वो थैलोफाइटा का प्रकार होता है जो कि वनस्पति का है, और यह कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। सवाल नंबर 27, वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, नहीं बोला गया है, और ध्यान दीजिएगा वायु की गुणवत्ता यह जानने के लिए यहाँ पर निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं होता है, तो बी कर लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें हम लोग कभी प्रयोग कर ही नहीं सकते, ये तो खुद एक प्रदूषित गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। अच्छा एक बात और, वायु की गुणवत्ता जो है भारत के सूचकांक में कितना स्थान है भारत का, तो 8 प्रदूषकों में शामिल है दोस्तों भारत, यानी कि भारत भी सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला वायु में ये एक देश है 8 देशों में। सवाल नंबर 28, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा जो है यह नाइट्रस के चलते होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आंसर सी कर लीजिएगा दोस्तों, अम्ल वर्षा जो अम्लीय वर्षा होता है। अच्छा दोस्तों सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसको हम लोग देखते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है, लिख लीजिएगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर, 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है, तो ये शुरुआत की है दोस्तों 11 जनवरी 2020 को, जी हाँ यशस्विनी योजना, ये इज द राइट आंसर। ये हमारे कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी है, ये ध्यान रखिएगा यशस्विनी योजना इन्होंने शुरुआत किया है दोस्तों। इस योजना को गोवा में शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया सबसे पहले, जी हाँ गोवा की राजधानी पणजी होती है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है वहां के, याद रखिएगा, और भगत सिंह कोश्यारी वहां के क्या है तो गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और यह एक महिला सशक्तिकरण योजना है। यशस्विनी योजना क्या है, तो महिला को सशक्तिकरण बनाने का, इस योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में 5 लाख रुपए देकर ब्याज मुक्त ऋण का प्रदान किया गया है। तो अब 5 लाख रुपए आप महिलाओं को मिल पाएगा अगर आप इसके तहत जुड़ती हैं तो, यशस्विनी योजना के तहत। ये सिर्फ और सिर्फ अभी गोवा में शुरुआत किया गया है, वैसे देश भर में इसको लॉन्च कर दिया गया है, इस साल बजट में भी आपको मिल पाएंगे। रॉकेट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती है, आंसर करेंगे 180 dB, यानी कि रॉकेट इंजन का जो ध्वनि है वो 180 dB का होता है। ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है, जिसको हम लोग डीबी से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे आंसर, तो यहाँ पे हम यह डी कर लेंगे। सवाल नंबर 31, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है, तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स अ डी, प्लास्टिक जो है वो हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक जो है जीवाणुओं से नष्ट नहीं हो पाएगी। और अच्छा प्लास्टिक जो है उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, ठीक है, इसे जीवाणुओं से ये नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक, सवाल नंबर 32 पे चलते हैं, भारत स्टेज सिक्स उत्सर्जन के मानक है भारत जो है 2020 में अपनाया है, और वहां के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने का पैकेज प्रदर्शित भी किया, और निम्नलिखित गैसों में से उनका कौन सा अंतर्गत आच्छादित होता है, तो 32 का उत्तर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, जी हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड का, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं, निम्न में से जल पुरुष नाम से किसे जाना जाता है, निम्न में से जल पुरुष राजेंद्र सिंह को हम जानते हैं, ये दोस्तों बता दें कि जल पुरुष लोकप्रिय नाम है इनका, राजेंद्र सिंह कौन, तो तरुण भारत संघ नामक एक गैर सरकारी संगठन है इनका जो कि चेयरमैन है उसके, और ये संगठन को 2015 में शुरुआत किया गया, कहां पर, स्टॉक होम वाटर प्राइस इसको भी मिला है 2015 में, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 34, पन्ना पटना झील कहां पर उपस्थित है, पन्ना पटना झील, पन्ना पटना लिख दीजिए, पटना मत बोल दीजिए आंसर, ये कर्नाटक में है, जी हाँ दोस्तों आंसर क्या करेंगे, इट्स ए, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, इसका नाम ही है पन्ना पटना, है ना, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 35, दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, बिल्कुल अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ए, जी हाँ दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे होता है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बिहार में वर्षा का जो वितरण है वो कैसा होता है, तो असमानता वाला बना रहता है, मतलब कि कभी भी हो सकता है कभी भी जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर देखें तो राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है, बिहार राज्य की अगर औसत वार्षिक क्रम देखें तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और सबसे कम वर्षा जो होती है वो औरंगाबाद जिले में होती है, सबसे कम, ठीक है ये ध्यान रखेंगे औरंगाबाद। सवाल नंबर चलते हैं 236 पे, बिहार राज्य में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग के गुजरते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों कर लीजिएगा दोस्तों, जी हाँ ई, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे है, देखिए NH2 है, NH28 भी जाता है, और NH30 भी है, और NH31 भी है, तो ये सारे जाते हैं, NH7 नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा।
तो ये सारे एक दो ए बी और सी तीन है यहाँ पे उत्तर, तो बिहार से होकर जाने वाली राजमार्ग है, तो आंसर हमारा ई हो जाएगा, एक से ज्यादा उत्तर सही है। सवाल नंबर 37, बायोगैस में मुख्यतः होती है, देखिए बायोगैस के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का गैस होता है बायोगैस। बायोगैस जो होता है वो प्रदूषण नहीं करता है, ठीक। अच्छा, गोबर जो होता है ना, वो गोबर कूड़ा करकट एवं मानव मल से बायोगैस का हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1981-82 में बायोगैस परियोजना लाया गया था, कब? 1981 से 82 के बीच में बायोगैस का परियोजना लाया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, बायोगैस में लगभग जो होता है ना 65% मीथेन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, मीथेन होता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 38 पे, समृद्ध यूरेनियम होता है, समृद्ध यूरेनियम, डी उत्तर कर लीजिए दोस्तों, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें कि रेडियोधर्मी या 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं समृद्ध यूरेनियम। सवाल नंबर 39, आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अधिकृत पूंजी में 15,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि करने की घोषणा कर दी है, तो आंसर यहां पे कर लीजिएगा दोस्तों, ये है, इट्स अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भारत के नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में, ये दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, और इंडियन ओवरसीज बैंक से संबंधित भी है, लेकिन एक मिनट, 15,000 करोड़ से 25,000 करोड़ ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये तो खुद अभी ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक को यहाँ पे ये दिया गया है मदद, इंडियन ओवरसीज बैंक को, डी इज द राइट आंसर, ये गलत हो गया थोड़ा सा, आंसर यहाँ पे गलत की सुधार कीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक को। आपको बता दें कि यह बैंक जो है बैंकिंग सीमा और उद्योग को लेकर अग्रणी बैंक है हमारे देश का, इसका स्थापना कब किया गया था? 10 फरवरी, 10 फरवरी 1937 को किया गया था, ठीक, तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक। सवाल नंबर 40, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह, देखिए ये क्वेश्चन था यहाँ पे, भारत के किस शहर के राष्ट्रीय संग्रहालय इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस शीर्षक के साथ प्रदर्शनी शुरू की है, तो उत्तर कीजिएगा नई दिल्ली में, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ये दोस्तों 90 रिस्ट इज जो है वह हिंद महासागर में है, आंसर तो हमारा डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगभग 5,000 किलोमीटर की ये लंबाई है, कितना? 5,000 किलोमीटर का, ठीक है, ये कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है दोस्तों। सवाल नंबर 42, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बिल्कुल आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे, सौर सेल का, डी इज द राइट आंसर, सौर सेल, जो कि सेल सिलिकॉन से बना होता है, किससे बना होता है? ये बना होता है सौर सेल सिलिकॉन से, सौर सेल सिलिकॉन से। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, देखिए आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी, चाइना है दोस्तों, फिलहाल सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यही हो रहा है, जो विश्व के कुल हरित गैस उत्सर्जन का 21.5% उत्सर्जन करता है, ये अमेरिका 20.2% करता है, और भारत जो है ये चौथे पावदान पे है, ठीक है, भारत CO2 उत्सर्जन करने में चौथे पावदान पे है। सवाल नंबर 44, प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, सी उत्तर कर लेंगे, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, कितना होता है भाई एक प्रकाश वर्ष में? तो 9.46 × 10^15, ये बहुत ही आप लोग 12th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, मीटर, ये आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 45, वह थर्मामीटर जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त लाया जाता है, पूर्व विकिरण पायरोमीटर, जन दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, इट्स ए इज द राइट आंसर, जिसमें कि 2000 डिग्री सेल्सियस का उपयुक्त मापने के काम आता है। सवाल नंबर 46, वाहनों के पीछे आने वाले यातायात देखने के लिए हम लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, बता चुके हैं आपको, उत्तल दर्पण इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 47, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतम जो है तापमान कितना होगा? बिल्कुल आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे 98.4 डिग्री इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है वो ये तो आपको पता होना चाहिए, आभासी बनता है, लेकिन सेल्सियस स्केल जो कि यहाँ पर दोस्तों मानव शरीर का एक सामान्य तापक्रम होता है,
सेल्सियस है ना यार, 94 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 36.9 होगा दोस्तों। सर डी इज द राइट आंसर, 36 यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 48, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन होती है, बिल्कुल सी उत्तर करेंगे। आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर भी इसमें लगा रहता है। सी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ट्यूब के दोनों किनारों पर जो होता है वो बेरियम ऑक्साइड का होता है, परंतु तंतु पर चढ़ी होती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 49, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम आप लोग वो देखते होंगे, स्पैम जो है वर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम ए करेंगे। स्पैम का मतलब होता है वायरस या आच्छादित मेल होते हैं, ये ईमेल होते हैं जो उसमें जिसके जरिए आपको क्या आ सकते हैं, वायरसेस भी आ सकते हैं। सवाल नंबर 50, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, किसी आतंकी संगठन पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों पर एक ट्रिब्यूनल का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया? तो उत्तर कीजिएगा इट्स अ बी, जैसे मोहम्मद के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, जैसे मोहम्मद के द्वारा किया गया। जी हाँ दोस्तों, आंसर कर लेंगे, किसी आतंकी संगठन, ये प्रतिबिंब और संबंधित मुद्दों पर ध्यान देंगे। आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिट्टे, नॉट बी, लिट्टे ए इज द राइट आंसर, गलत उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल का बात हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिट्टे संबंधित है। लिट्टे जो है एक आतंकवादी संगठन था, जो कि संबंधित मुद्दों पर विमर्श के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया था इसने, केंद्र सरकार के द्वारा इसके साथ समझौता हुआ था। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी श्री पेरम्बटूर में उनकी हत्या की गई लिट्टे के द्वारा है। ठीक है, LTTE के द्वारा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंकाई एक संगठन भी है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से संबंधित जितने भी सवाल थे वो समाप्त होते हैं। आपने 50 के क्वेश्चन सिनारियों में कितने उत्तर सही किए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सुधार मैंने कर दिया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ग्रुप में भी, और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।